नमस्कार बच्चों, देखो मेरे पास एक कैलेंडर है। ये अक्टूबर 2020 का कैलेंडर है। इस कैलेंडर में हम कुछ रोचक पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको कुछ विशेष बात बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, कैलेंडर को मैंने इस प्रकार से रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। आज कौन सी तारीख है? आज 18 तारीख रविवार है, और पिछला रविवार कब था? 11 तारीख। इसी प्रकार से आपके बोर्ड पर देखिए, मैंने ये फरवरी 2019 का कैलेंडर जो आपकी बुक में दे रखा है, मैंने इसको बॉक्स को इस प्रकार से किया हुआ है। यहां पर क्या खास बात है, इसको मैंने कौन सी संख्या इस चौकोने के बीच में है? देखो ये संख्या 13 इसके बीच में है ना, ये चौकोना बनाया हुआ है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब इस चौकोने को मैंने यहां लिख दिया, इनको इनको जोड़ कीजिए आप, 6 जमा 13 जमा 20, 39 आ गया। इन इस प्रकार से जोड़िए आप, इनको इस प्रकार से जोड़िए आप, ऐसे जोड़ना ना आपने, ताकि ये जोड़ हर बार से क्या आए आपका 39 आएगा। देखिए 9 और 3 12, 12 और 7 7 13 और 19, इनका जोड़ कीजिए आप, 7 और 3 10 और 9 19, ये भी 39 आ गया हमारा। क्या इनको इस तरीके से जोड़िए आप, 12 13 और 14 के तरीके से जोड़िए आप, 3 2 5 5, और ये भी 39 आ गया। एक तरीके से और जोड़ सकते हैं आप, इसको इस तरीके से जोड़िए, 5 जमा 13 जमा 21 कितना आ गया, 5 और 3 8 1 9 2 और 1 3 39 आ गया, ये भी 39 आ गया। तो हर तरफ से हमारा जोड़ इसमें 39 आएगा। तो यहाँ पर क्या ट्रिक है आपकी, कि इस 13 को 3, बीच वाली रकम को 3 से गुणा कर दिया, 13 गुणा 3 बराबर है 39 आ गया हमारा। अब ये 39 जोड़ आ गया, इनका इनका जोड़ कितना आएगा 39। इसी प्रकार से क्या हम इसमें भी कर सकते हैं ट्रिक, चलो देखते हैं। यहां पर ये मैं 3 पे लगा रहा हूं निशान, इनका जोड़ कितना आएगा बिना करे ही जोड़, बीच में संख्या 33, 33 को 3 से अगर हम कर दें तो 33 या 99, इनका जोड़ ऐसे ऐसे इस तरीके से और इस तरीके से 99 आएगा। अब एक ट्रिक आप बताएंगे, मैं आपको जोड़ देता हूं 75, आपने 9 संख्याएं पूरी करनी है, 75 आपका जोड़ है और संख्याएं कितनी पूरी करनी है आपने, 9 संख्याएं। कैसे करोगे? 75 को 3 से भाग कर लेंगे हम, बीच में वो रकम आएगी हमारे 25, तो यहां बीच में कितना आएगा हमारा 25, यहां पर 26, यहां पर 27, यहां पर 28, यहां पर 29, यहां पे 24, 23 22 और 21, इस प्रकार से करेंगे जोड़, इस प्रकार से जोड़ करेंगे, इस प्रकार से जोड़ करेंगे, इस प्रकार से जोड़ करेंगे, हर तरफ से हमारा जोड़ जो है ना वो 75 यानी कि 75 ही आएगा। तो एक नई ट्रिक है, इसको हम 10 गुणा 10 के खाने से भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार से कैलेंडर का हमारा एक टॉपिक है, कैलेंडर में ही एक चीज सीखने को मिलती है हमें। इस प्रकार से आप इसको करें और अपनी बुक का पेज नंबर 105 पूरा कर ले। गणित का जादू पेज नंबर 106 पर हम इस प्रकार से जोड़ करेंगे। क्या ये जोड़ आप कर सकते हैं? ये जोड़ करना बड़ा आसान है। क्यों, कैसे करेंगे? इसको सीधा ही कर सकते हैं हम, इसको 5 से गुणा करके, 15 गुणा 5, 5 5 25 75 आएगा। चलो करके देखते हैं, 1 और 8 9 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 2 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, जोड़ा आप चित्र। क्या तिरछे भी हम इनको कर सकते हैं इसी प्रकार से? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या तिरछे में भी रूल लागू होगा? इस प्रकार से आप झटपट जोड़ करके कैलेंडर का आप सबको चुका सकते हैं। देखते हैं इनका जोड़ कितना आता है, 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 2 2 और 1 3, 3 2 5 2 7, 70 आ गया इनका जोड़। तो क्या इस 14 को हम 5 से गुणा करके 70 आ जाएगा? कैसे संभव हुआ ये कैसे हुआ बताओ, सोचो। क्या कोई पैटर्न दिखा इनमें आपको? बिल्कुल पैटर्न दिखाई देता है इनमें। क्या पैटर्न देखो, 26 और 2 28, 26 प्लस 2 28, यहां पे 20 और 8 28, और यहां पे बीच में क्या है, 14 14। तो देखो यहां पर एक पैटर्न बन गया हमारा, यानी कि डबल डबल में आएगा हमारा। इसी प्रकार यहां पे देखिए, 1 और 32 30, 22 और 8 यहां पर 30, और ये बीच में 15। तो यहां पर ये हमारा पैटर्न बनता है। क्या पैटर्न बनता है? इन दोनों का जोड़ करके 2 से अगर हम भाग कर दें तो हमारी बीच वाली संख्या वो आ जाती है, यानी कि ये बीच वाला
औसत की तरफ इशारा करता है, एवरेज की तरफ इशारा करता है। तो हमारी किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से इनको करना है। इसमें एवरेज की कंसेप्ट भी शुरू हो जाती है हमारी, औसत जिसे हम औसत कहते हैं, यानी कि दो रकमों के बीच की संख्या वो हमारी औसत होती है। तो यहाँ पे औसत की कंसेप्ट हमारी शुरू हो जाती है। अगली वीडियो में हम कैलेंडर को देखना सीखेंगे कि किस प्रकार से कैलेंडर को पूरा करेंगे, और कैलेंडर को पढ़ के कुछ सवालों के उत्तर देंगे।